हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन वेल। जैसा कि आईआईटी जैम 2022 के जो फॉर्म थे वो भरने चालू हो गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैम 2022 अप्लाई ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, इस लिंक से जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आगे हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं बता दूं क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या जंगली दिक्कतें हो जाती हैं, फिर लास्ट में दिक्कत आती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आज मैं वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर जरूर डाउनलोड कर लें और उसको बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ लें। जब आप इसको पढ़ लें फिर उसके बाद अब आप फॉर्म भरें। तो ये देखिए, ये डेट दे रखी थी जैसे कि 30 अगस्त से फॉर्म ओपन होने थे, पर वो अभी से ही स्टार्ट हो गए हैं। आप यहाँ पे लिंक पे जा करके देखें, यहाँ लिखा जैम 2022 अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से जा करके आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। चलिए, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से जाकर के आप इन्फॉर्मेशन, इस लिंक से जाकर के आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर लिया है मैंने, ये आ गया। जैसे कि देखा, देखिए इसमें लिखा है एग्जामिनेशन डेट है वो क्या है, 13 फरवरी है, संडे को एग्जामिनेशन है। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इतनी जो आईटीज हैं ये सारी आईटी जैम 2022 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड आईआईएससी बैंगलोर है, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम एट आईआईएससी बैंगलोर। अगर आप इसके ऊपर अलग वीडियो जानना चाहते हैं कि कैसे आईआईएससी बैंगलोर में भी आई थिंक इंटरव्यूज होते हैं, कुछ होते हैं, तो उसकी भी अगर वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा। जो आईआईएससी बैंगलोर के स्टूडेंट होंगे उनको हम इंटरव्यू पर बुलाएंगे, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे, कैसे कैसे तैयारी कराई जाती है, क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी आईआईएससी बैंगलोर की वो स्टूडेंट दे देंगे। उसके लिए आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी हम लोग इंटरव्यू वहाँ के स्टूडेंट से ले लेंगे। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जो है वो आईआईटी रुड़की है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, ठीक है। ये फ़ोन नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आती है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं या उनको आप डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अब बात आती है टेस्ट पेपर कौन कौन से हैं, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, फिजिक्स, इसके टेस्ट पेपर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आपको मालूम है ये जो एग्ज़ाम है वो CBT मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पर होता है। इसकी भी आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, ऐसे एग्ज़ाम और उस एग्ज़ाम में मतलब कंप्यूटर बेस्ड पे जाने पे थोड़ी तो दिक्कत होती है। तो इसकी मैं आपको एडवाइस करूँगा, जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे पहले कुछ दिन में कुछ ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जो CBT मोड पे होते हैं, उसको आप ले लीजिएगा, मैंने भी लिए थे। मैं आपको बता दूँ बहुत फ़ायदा मिलता, थोड़ा फ़ायदा नहीं होता, बहुत फ़ायदा मिलता। मैं इसकी भी आगे आपको वीडियो बना दूंगा, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उनको कैसे कैसे फेस करते हैं, उसकी भी वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। चलिए, ये सारी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जरूर डाउनलोड कर दीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं, जैसे कि लिखा है रजिस्ट्रेशन डेट 30 अगस्त थी, बट वो नहीं है, अभी से ही फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो क्या है, 11 अक्टूबर है, ठीक है। अवेलेबल ऑफ जैम एडमिट कार्ड डाउनलोड 4 जनवरी को हो जाएंगे, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 13 फरवरी है। रिजल्ट कितने तारीख को आएगा, 22 मार्च को आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑन वो 11 अप्रैल है, ठीक है। डिक्लेरेशन फर्स्ट लिस्ट है वो 1 जून को आ जाएगी, सेकंड लिस्ट आएगी 16 जून को, और थर्ड लिस्ट आएगी 25 जून को। फोर्थ एंड फाइनल लास्ट, मैं आपको बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पहले क्या होता था, 2021 से पहले जो होता था वहाँ थर्ड लिस्ट तक आती थी, अब की बार देखिए फोर्थ एंड फाइनल लिस्ट भी आने लगी। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत बच्चे एडमिशन नहीं लेते थे तो वो सीट ख़राब हो जाती थी, तो अब इन लोगों ने क्या किया, फोर्थ लिस्ट भी स्टार्ट कर दी। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पे कई आईटीज अपने स्पॉट राउंड भी निकालने लग गई है, तो ये बहुत अच्छा किया। अगर आपको स्पॉट राउंड मालूम है क्या होता तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, हम उसकी भी वीडियो आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे करके बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निकलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बहुत मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जैसे कि जो आप फॉर्म भरे उसमें बिल्कुल सही सही चीज़ें भरें, ठीक है। ये एकेडमिक प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, इसको बहुत आप एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा
और पढ़ लीजिएगा। जितनी भी एडमिटिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके कॉन्टैक्ट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जाकर के आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके प्रोग्राम्स जितने भी निकलते हैं सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑल कैंडिडेट एडमिटिंग थ्रू शुड हैव द बैचलर डिग्री, उनके पास बैचलर डिग्री, ठीक है। और अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ये भी आपको मालूम होगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप पढ़ करके बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि ये देखिए आपका क्वालिफाइंग डिग्री के बारे में दे रखा है, कितने मार्क्स होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। इसको एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट से जा कर के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को एक बार देख लीजिएगा। और टेस्ट से पहले देखिए पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर दे रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें एनएटी क्वेश्चन भी आते हैं, कितनी माइनस मार्किंग होती है, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है, ये वहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि जब आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसी पे ही अवेलेबल होगा, आप यहाँ से अपना कैलकुलेटर नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। ये कैसे चलाया जाता है ये इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं कैसे इस कैलकुलेटर को चलाते हैं और ऑनलाइन भी हम कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैंने उस वीडियो पे दे रखी है, सब चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखिए शेड्यूल क्या है 13 फरवरी को, ठीक है, ये देखिए इस टाइम ये होगा बायोटेक्नोलॉजी मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड फिजिक्स, आफ्टरनून होगा केमिस्ट्री इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सारी जानकारी दे रखी है। और मैं आपको बता दूं जो फीस है वो फीमेल ऑल कैटेगरीज एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ऑल कैटेगरीज, फर्स्ट पेपर जो कोई एक एग्ज़ाम देता है उसके लिए 750 रुपये और टू पेपर एग्ज़ाम देता है उसके लिए 1050 रुपये, और ऑल अदर्स जो और बच गए हैं जो उनके लिए कितनी है 1500 है, और टू पेपर अगर आप देते हो तो 2100 है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। और जो इम्पॉर्टेंट बात आती है फोटोग्राफी और साइन की, उसमें थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है, किस साइज़ की होनी चाहिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ करके ही अपलोड कीजिएगा, नहीं थोड़ी फाइज दिक्कत आती है। देखिए सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। सिग्नेचर रिक्वायरमेंट कितने कितने उसके होते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी किस कितने केवी में अपलोड करना है वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, ठीक है, उसको पहले आप पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। ये सारी जानकारी इसमें दे रखी है, हालांकि ये तो आगे की बात है, जब एडमिशन हो जाता है मेरिट लिस्ट, तो ये सारी जानकारी आगे की है, ये इसके लिए मैं अलग भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे फाइनल राउंड में फॉर्म भरते हैं, वो सारी वीडियो मैं बाद में आगे बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही करूंगा, ये देखिए सारे सिलेबस दे रखे हैं, आप हालांकि एक बार आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगती हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो सीधे सीधे आप IIT रुड़की को कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे ही रखा है, मेल ID भी दे रखी है, आप उनसे डायरेक्टली पूछ लें। तो हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल पर कॉम्पिटिशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती है और हर कॉम्पिटिशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है उनके एडवाइस के लिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।